एवरीवन, वेलकम टू एटीएम एकेडमी। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रितु, जो डीयू से अभी एमएससी उनका चल रहा है। तो डीयू के कैंपस के बारे में, डीयू का एमएससी या जो भी इन्वायरमेंट है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो स्वागत है रितु आपका। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड माई आफ्टरनून, सेल्फ गुड आफ्टरनून। रितु राव, आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डीयू आईपी कॉलेज एंड नाउ आई एम डूइंग एमएससी फ्रॉम मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो रितु, अभी फिलहाल डीयूटी का पेपर होके रिजल्ट भी आउट हो चुका है। अब मतलब काउंसलिंग चलेगा बच्चों के एडमिशन्स के लिए। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये रहता है कि मेरे को कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा होता है कि कॉलेज में आपको एडमिशन्स लेना होता है, उसके बाद आपकी क्लासेस सर, कैसे लगेगी। तो पर्टिकुलर अगर कोई फोकस करना चाहे तो कॉलेज पे फोकस करे, तो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, या फिर किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लो उसका बेनिफिट है या नहीं, वो थोड़ा सा बताइए एक बार आप। इसका ये है कि कॉलेज में एडमिशन लेने से कॉलेज का तो कोई ऐसा बेनिफिट है नहीं कि मतलब ये कॉलेज अच्छा है तो आपको इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो ये तो है नहीं। पर ऐसे है कि भी कॉलेज अच्छे हैं, कॉलेज की रैंकिंग है, इस हिसाब से आप कॉलेज ले सकते हो कि रैंकिंग अच्छी है, चलो हम अच्छे कॉलेज में, एक आपको नाम मिलता है कि चलो आप अच्छे कॉलेज में हो। और वैसे क्लासेस सबके साथ होती हैं, नॉर्थ कैंपस वाले बच्चों की सबके साथ होती है, साउथ वालों की सबके साथ होती है, तो उसमें कॉलेज का कोई मैटर नहीं है क्योंकि सब कॉलेज के बच्चे एक साथ एक जैसा एक ही टीचर से पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं कॉलेज से। बस ये है कि कॉलेज का नाम मिलता है आपको। जैसे मरिंडा हाउस है, इसका थोड़ा सा ज्यादा नाम चल रहा है, तो उसके लिए कई बच्चे सोचते हैं। हाँ, इसी का ये है कि मिरांडा जो कॉलेज है गर्ल्स कॉलेज है वैसे तो, जो टॉप रैंकिंग पे है इंडिया में, तो बस यही है कि उसका अच्छा नाम चल रहा है, तो अगर कोई लेना चाहे तो अपनी प्रेफरेंस दे सकता है उस पे। ये है। बाकी आप चाहे किसी भी कॉलेज में लो, उसका उतना बेनिफिट नहीं है, सबका कैंपस एक ही जगह क्लासेस हाँ, लगेगी। थोड़ा सा ये क्लासेस बता एक ही सकते हो जगह। कि क्लासेस का शेड्यूल क्या रहता है, किस समय तक क्लासेस लगती हैं? हाँ, क्लासेस सुबह 9 AM से रहती हैं, और जैसे फर्स्ट सेम में 4 क्लासेज होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड सेम में तो 1 1 आवर की क्लास रहती है, तो यही 1 बजे तक रहती है, 2 बजे तक, 1 बजे तक। मतलब 1-2 बजे तक आपके पास रहती है। पर्टिकुलर कई हाँ, बच्चे जैसे जो, दो हाँ 2 बजे ऑफ हो जाता है। पर्टिकुलर बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम डीयू में एडमिशन लेंगे तो हम उसके एमएससी के साथ साथ में सीएसआर नेट या गेट की हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी आपको मिल जाएगी जो इनके लिए पर्टिकुलर है, सीएसआर नेट और गेट के लिए। तो अगर 2 बजे आपका ऑफ हो रहा है तो उसके बाद आप प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब ये दोनों चीजें आप एक साथ चला सकते हो क्या, कि आपका एमएससी भी चलता रहे और आप हाँ, सीएसआर नेट मतलब या उनकी भी प्रिपेयर कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। वैसे सिलेबस भी डीयू का काफी मैच होता है, ग्रेजुएशन का भी सिलेबस अच्छा है डीयू का, जो काफी मैच होता है नेट वगैरह से, और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी होता है, और इतना टाइम तो रहता है कि क्योंकि सेमेस्टर में हम लास्ट में जाके पढ़ सकते हैं आराम से, तो हम स्टार्टिंग में तैयारी कर सकते हैं मतलब नेट की, आईडी में कैसे कोचिंग भी रहता है कि होती आपको है। रेगुलर साथ में पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या फिर आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, इनमें ऐसा हो सकता है कि आप लास्ट में जाके कि आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे, मतलब अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। तो वैसा ही है ना, हाँ, ऐसा मतलब नहीं है कि आईटी जैसे की तरफ पूरी साल पढ़ते ही रहो। हाँ पढ़ना तो यहाँ पे भी जैसे पढ़ना पड़ता है, पर मैनेज हो सकता है, मतलब आराम से बना के चलें तो थोड़ा थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि मेरा एमएससी के साथ में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाए, तो डीयू में प्लेसमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ, प्लेसमेंट के ऑप्शंस हैं, अभी काफी मेरे साथ के काफी बच्चों का मतलब हुआ भी है, 15 20 के लगभग बच्चों का, जिनका जो सबका 10 लेख के ऊपर ही गया है, 15 14 ऐसे, तो उसके लिए बस जैसे फर्स्ट ईयर में थोड़े फर्स्ट सेम आए उसमें थोड़ी सी जैसे लैंग्वेज पे कमांड कर लेनी चाहिए, थोड़ी मशीन लर्निंग का कुछ कोर्स वगैरह कर लें, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, तो प्लेसमेंट होने के चांसेस लगभग रहते हैं, थोड़ी मतलब सी ये जो स्किल्स आप हो। मशीन हाँ, लर्निंग या जो भी आप बता रहे हो, ये आपका जो सिलेबस है उसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, या फिर कई जगह ऐसा होता है कि ऑप्शन आपको दिया जाता है कि कहीं कहीं ऐसा हो ना, कहीं हम अलग से वो कोर्स ले सकते हैं, तो ये वाला कहीं ऑप्शन अवेलेबल ऑनलाइन है कि आप अगर अलग से कोर्स ले सकते हो, तो वो आप मशीन लर्निंग टाइप इस टाइप में आप ले सकते हो।
नहीं, वो डीयू में नहीं ले सकते, कोई ऑनलाइन जैसे कोर्सेज होते हैं ना अपन, हाँ तो कोई ऑनलाइन कोई लैंग्वेज भी आप सीख कर लो सकते हैं। कहीं से, ठीक हाँ, उससे क्या है कि सीवी में डालने के लिए कुछ अच्छा हो जाता है, तो अच्छा सीवी बन जाता है, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स हो तो आराम से लग जाता है प्लेसमेंट। है। दूसरा, आजकल जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं इनका प्लेसमेंट इनमें होता है, जैसे किसी कोचिंग में है, जैसे आईटी जेई की कोचिंग हो गया या कहीं नीट की कोचिंग्स हो गया, इनमें आप पढ़ाना चाह रहे हो, तो वो भी प्लेसमेंट्स हो रहे हैं क्या यहाँ पे, अवेलेबल है ऐसे प्लेसमेंट्स भी? अभी तक पूरे कंपनीज वाले आए, जितनी भी आई हैं कंपनीज आई। हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अभी नहीं हो रहा, जो भी हो रहा वो कंपनीज में हो रहा, ठीक है। चलो अभी अच्छा जैसे है, डाटा साइंटिस्ट वगैरह के लिए यही ऐसी कंपनी आ रही है, तो इन्हीं में हो रहा है। तो मतलब जो भी बच्चे हैं अगर आप प्लेसमेंट के लिए सोच रहे हैं तो एडिशनल आप कुछ ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट ले लें चाहे बाहर से आपको करने पड़े, लेकिन वो अगर आप ले लोगे तो आराम से प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ, जैसे एडिशनल हमारे पास कुछ कोर्स वगैरह होना चाहिए, जिसकी हमने जो सीखा हो, जिसकी 5-6 महीने का कोई हो ऐसा सर्टिफिकेट, अच्छा एक दो सीखे हुए, तो मतलब हो जाता है, उसका बेनिफिट मिलता है काफी। चलो ठीक है। दूसरा, फिर ये बच्चों का क्वेरी रहता है कि अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ हॉस्टल हर बच्चों के लिए अवेलेबल होता है या फिर कुछ ही बच्चों के लिए अवेलेबल होता है? थोड़ा सा अगर आप ये क्लेरिफाई कर दें कि जितने आपके कैंपस में बच्चे हैं सबको ऑलमोस्ट मिल जाता है क्या? नहीं, हॉस्टल सबको नहीं मिलता। हॉस्टल क्या होता है, कुछ तो मतलब ग्रेजुएशन में तो कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड करता है जैसे, पर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए कॉलेज बहुत ही, एक दो कॉलेज ही ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को प्रोवाइड करते हैं। फिर अलग से यूनिवर्सिटी के हॉस्टल हैं, जैसे जहाँ मैं रह रही हूँ ये गर्ल्स हॉस्टल है, राजीव गांधी हॉस्टल, तो यहाँ पे भी ये मेरिट बेस पे लेते हैं, जिस बेस पे सिलेक्शन हुआ है मेरिट बेस पे या एंट्रेंस बेस पे कैसे भी, तो फिर अच्छा, वे अप्लाई नहीं रखते हैं ये लोग। जैसे अलग अलग 4-5 हॉस्टल हैं यूनिवर्सिटी के, तो जैसे 5-10 5-10 सीट होती हैं, इतने बच्चों को ही रखते गर्ल्स हैं। को ऑलमोस्ट मिल जाता होगा क्योंकि गर्ल्स के लिए थोड़ा सा रखते हैं कि इनिशियली जैसा रखते नहीं, हैं, सबके लिए ऐसा इक्वल है। नहीं है। नहीं, हाँ सबके लिए इक्वल है। 2-3 बॉयज हॉस्टल है, 2-3 गर्ल्स हॉस्टल है, जिसमें 20-30 मैथ्स के बच्चों को मिल जाता है, इतना ही होता है। बाकी वो आसपास में जहाँ भी सुविधा उसके अकॉर्डिंग आप रह सकते हो। हाँ, पीजी वगैरह में रह सकते हैं बाकी। चलो ठीक है। अच्छा दूसरा, ये डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो कि आपको क्या, जैसे कई होता है कि आईटी में पढ़ेंगे तो बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर हमें मिलेंगे, ऑब्वियसली डीयू में भी तो अच्छे प्रोफेसर आपको मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो? प्रोफेसर अच्छे हैं, हेल्पिंग भी हैं, सही है, मतलब कोई दिक्कत हो बता सकते हैं, कैरियर के बारे में भी एडवाइस दे देते हैं, अच्छे हैं। एक हमारे स्टूडेंट थे जिनका जेएनयू में था, तो वो कह रहे थे कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पर्टिकुलर कभी भी आप पूछ सकते हो, तो वैसा ही यहाँ पे है या फिर पर्टिकुलर वाला नहीं है कि आप अगर कोई डाउट है तो पर्टिकुलर आप कभी भी आप पूछ सकते हो, ऐसा है या फिर आप मतलब क्लास टाइम ही पूछ पाओगे, उनके अलावा एक्स्ट्रा आप पूछ सकते हो या नहीं पूछ सकते, कोई भी डाउट है? नहीं, इसमें ऐसा है कि मतलब जैसे डीयू में एक दिन ट्यूटोरियल्स होते हैं, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, तो उसमें ट्यूटोरियल में अलग जैसे पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं वो लेते हैं ट्यूटोरियल्स, जैसे मंडे को लगते हैं, तो उसमें ऐसा है कि आप अपने डाउट उसमें पूछ सकते हो आराम से, और वैसे क्लास में भी पूछ सकते हो टीचर्स को क्लास में, और फिर स्पेसिफिक वो होता है मंडे को डाउट क्लियरिंग सेशन, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। मतलब ट्यूटोरियल के टाइम आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो और जो क्लास है उनमें पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब और हाँ, ओवरऑल अगर आप चाहो तो अच्छा, बहुत अच्छा आप यहाँ से करके जा सकते हो, अपने प्लेसमेंट्स भी ले सकते हो डीयू में, मतलब वो सारी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, आपके अगर आप सीएसआई नीट और गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहो तो वो भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है क्योंकि यहाँ आसपास कोचिंग्स है, प्रोफेसर से भी मिल जाता है ना, और सिलेबस भी अच्छा है इस तरह डीयू का। प्रोफेसर, क्योंकि यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं प्रोफेसर्स के अंडर बहुत सारे बच्चे, तो प्रोफेसर्स भी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा मान लो जैसे डीयू के पास में आसपास में कैंपस ही आईआईटी का दिल्ली वाला जा जाता है, तो अगर ऐसा भी है क्या कि जैसे कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ ऐसा हो जाता है कि बाहर से आईआईटी से प्रोफेसर आके भी वहाँ पढ़ाते हैं, जैसे बेंगलोर में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ बाहर के टीचर आके, ऐसा है क्या कि आईआईटी के टीचर आते हैं यहाँ पढ़ाते हैं या फिर नहीं है, या फिर प्रॉपर नहीं यही नहीं ऐसा नहीं है क्या सर? चलो ठीक है ऋतु, ऐसा आपने मतलब ऐसा, ऐसा नहीं ना, यहाँ के जैसे प्रोफेसर्स हैं वो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग से कोई टीचर आए सेशन लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं, बेंगलोर में कुछ ऐसे एक दो इंस्टीट्यूट है जहाँ मतलब आई सर से टीचर आके वहाँ उनके लेक्चर्स लेते हैं, तो मैं सोचा नहीं नहीं ऐसा एग्रीमेंट नहीं ऐसा है, यहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं। मतलब बाकी तो ये है कि टीचर्स यहाँ अच्छे, मतलब जो भी हैं अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए हैं या आईआईटीज के प्रोफेसर आपको यहाँ मिल हाँ जाएंगे, तो वैसा आपको माहौल मिल जाएगा लगभग। हाँ काफी एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, थैंक यू रितु, आपने थोड़ा सा डीयू के बारे में बताया। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, अगर उनको कोई भी कंफ्यूज रहेगा तो कोशिश करेंगे वो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करें, उनका हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी कोई भी डाउट है तो यहाँ लगभग उनका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू रितु। ओके थैंक यू सर।